नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट मेरे पास बहुत सारे हर रोज मैसेज आते रहते हैं कि बंसल जी हमारी दुकान की फेसिंग ये है और हम अपनी दुकान में ये काम करते हैं तो हमें अपनी दुकान का वास्तु कैसे सही करना चाहिए आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा आपकी अपनी दुकान किसी भी चीज़ की है आप अपनी दुकान में कोई भी आइटम सेल करते हैं आपकी दुकान साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी है तो आपको अपनी दुकान के बाहर यानी जो फ्रंट का एरिया है उसमें वास्तु के अनुसार किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा सुनिएगा समझिएगा और अपने यहाँ नोटिस कीजिएगा कि आपके यहाँ बाहर के भाग में कहाँ पर किस भाग में वास्तु दोष बना हुआ है और उसे कैसे सही कर ऐसा आप अपने यहाँ फ्रंट के भाग में क्या बदलाव करें जिससे कि आपका काम बढ़िया चलने लगे सबसे पहले तो आप ये नोटिस कीजिए जो आपकी अपनी दुकान है जो दुकान आप लेने जा रहे हैं या जिस दुकान में आप काम कर रहे हैं वो दुकान आपकी साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी है तो वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए कभी भी दुकान रोड के लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए यदि आप कोई दुकान लेने जा रहे हैं और वो रोड के लेवल से नीचे है और आप उसमें काम शुरू करने जा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी दुकान का जो फ्लोर लेवल है उस लेवल को रोड के लेवल से ऊंचा जरूर करें ऐसा करने से आपका काम अच्छा चलेगा आपने अपने फ्रंट के भाग में यानी बाहर के भाग में हमेशा ही साफ सफाई रखनी है यदि आपके यहाँ सड़क टूटी हुई है ऊबड़ खाबड़ है ऊंची नीची है अप एंड डाउन है तो उसे आपने स्मूथ कराना है आपके यहाँ क्योंकि आपकी दुकान दक्षिण मुखी है तो फ्रंट के भाग में पानी का कोई भी काम नहीं होना चाहिए आपके यहाँ फ्रंट में इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या कोई पेड़ लगा हुआ है या कोई पेड़ सूखा हुआ है और वो लगा हुआ है और आप उसे हटा नहीं सकते तो उसके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले तो आप देखिए आपके यहाँ फ्रंट के भाग में साउथ ईस्ट में साउथ सेंटर में या साउथ वेस्ट में कोई पेड़ लगा हुआ है और वो सूख गया है और उसे आप हटा नहीं सकते तो आप उस पेड़ के पास एक बेल जरूर लगाएं और उस बेल को आप पेड़ के ऊपर चढ़ा दें और पेड़ के चारों तरफ आप छोटे छोटे पौधे लगाएंगे तो उससे आपको फायदा ज़रूर मिलेगा जो पेड़ का सूखे पेड़ का वास्तु दोष है वो वास्तु दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा ऐसे ही आपके यहाँ इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वो आपके यहाँ साउथ ईस्ट में यानी अग्निकोण में लगा हुआ है तो वो हमेशा ही अच्छा माना जाता है आपके यहाँ साउथ ईस्ट में इलेक्ट्रिक पोल है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसके आसपास ईंट, पत्थर रोड़े मिट्टी या कबाड़ पड़ा है तो उसको अच्छे तरीके से क्लीन कराना है यदि आपके यहाँ इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोल पर आपने पाँच सात फुट पर तक रेड कलर का पेंट कराना है और आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उसके चारों तरफ जाल लगा हुआ है तो वहाँ पर जाल के ऊपर भी आपने रेड कलर का पेंट कराना है और उसके चारों तरफ नीट एंड क्लीन यानी साफ़ सुथरा रखना है यदि आपके यहाँ साउथ वेस्ट में यानी नैत्य कोने में इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वहां पर आपने येलो कलर का पेंट करवाना है आप अपने यहाँ पर साउथ वेस्ट में येलो कलर नहीं करा सकते तो आप यहाँ पर ग्रे कलर भी करवा सकते हैं आपके यहाँ जो शटर लगा हुआ है शटर के ऊपर आपने जो पेंट करना है वो रेड कलर या चेरी कलर करना है ऐसे ही आपने अपने यहाँ पर फ्रंट के भाग में बोर्ड लगाना है हॉर्डिंग लगानी है तो उसके ऊपर जो कलर करना है यानी जो कलर स्कीम लेनी है वो आप रेड कलर चेरी कलर येलो कलर पीच कलर ऑरेंज कलर पिंक कलर ये करेंगे तो आपकी दुकान में काम अच्छा होता चला जाएगा इलेक्ट्रिक मीटर आपने अपनी दुकान में कहाँ लगवाना चाहिए इलेक्ट्रिक मीटर आपने अपनी दुकान के साउथ ईस्ट जोन में अंदर के भाग में या बाहर के भाग में लगाना चाहिए ए का आउटडोर भी आप अपने यहाँ साउथ ईस्ट जोन में लगाए इन्वर्टर रखना है तो इन्वर्टर भी आप अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट जोन में रख सकते हैं नोटिस करें आपकी दुकान के बाहर का एरिया ठीक नहीं है तो जैसे मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है उस प्रकार से आप अपने यहाँ पर बदलाव करेंगे उस एरिया को सही करेंगे तो आपके दुकान अच्छी चलने लगेगी आपकी दुकान में काम अच्छा जरूर होगा आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट की वीडियो बनाकर और मैप भेजकर सलाह ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना, करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं इसी के साथ आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो वीडियो भी देख कर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबाएंगे तो आपके मोबाइल पर मेरे इस तरीके से बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी और जो मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो भी आपके पास सबसे पहले जरूर पहुँचेगी मैंने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा अपने पिताजी के साथ रहकर प्रैक्टिकल सीखा है और हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो उसे पढ़कर सीखा है आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तय दिल से धन्यवाद करता हूं इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार